मैंने पिछले महीने की 30 तारीख को आपका एक इंटरव्यू किया था महाराष्ट्र के इलेक्शंस पर। आज उस बात को 15 दिन हुए हैं। इस 15 दिनों में आपके इलेक्शन का पूरा रंग ही बदल गया है फडणवीस जी, इसलिए शुरुआत एक सीधे सवाल से, उम्मीद करती हूँ एक सीधे जवाब की। देवेंद्र फडणवीस जी, आप इस इलेक्शन को पोलराइज क्यों कर रहे हैं? हमने कभी भी इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश नहीं की। आप अगर मेरा कोई भी भाषण, अभी मैं करीब 60-65 भाषण दे चुका हूँ, जी आप मेरे भाषण उठाकर देखिए, मैं 95% क्या विकास हुआ, क्या होने वाला है, कौन सी स्कीम्स चल रही है, जी इसके ऊपर बोलता हूँ। जी लेकिन 5% मैं जवाब देता हूँ, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से उलेमा काउंसिल से 17 मांगे लेकर कांग्रेस, शरद पवार की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी, ये उनको लिखित में देंगे कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार है, और मांगे कौन सी है, उसमें से मांग है 10% मुस्लिम आरक्षण की। उससे भी भयानक मांग ये है, 2012 से 2024 तक जितने महाराष्ट्र में दंगे हुए, उन दंगों में जितने मुस्लिम आरोपी है, सबके ऊपर के जो केसेस वो समाप्त कर दिए जाए, आरएसएस पे बंदी लगाई जाए। अगर इसके ऊपर लिखित में वो देते हैं कि हमको ये मंजूर है। और उससे भी भयानक चीज़ ये है कि उन्हीं सज्जाद नुमानी जी का एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लोकसभा के समय बीजेपी को वोट किया, उनका दाना पानी बंद कर दो, उनको सोशल बायकॉट करो, ये सारी चीजें हो रही आप ये है। नई वीडियो की बात कर रहे वोट हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं। आप ये नई वीडियो की बात कर रहे हैं। कल जो वीडियो आप लोगों ने ट्वीट किया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने कहा कि ये तोड़ मड़ोड़ के बाहर लाया गया है, ये उनका मकसद था ही नहीं, वो किसी भी तरीके से मुस्लिम कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं वापस वीडियो आपको दिखाता हूँ, कोई तोड़ा नहीं मरोड़ा नहीं, उनके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है, उनके यूट्यूब चैनल कॉन्टेक्स्ट पे नहीं था ये, वो कहते कोई हैं। कॉन्टेक्स्ट नहीं। सीधे उन्होंने बात की है कि कई लोगों ने तो यहाँ पर बीजेपी को लोकसभा में वोटिंग किया, अब ऐसे लोगों को सोशली बैकआउट करो, इनका दाना पानी बंद करो। और ये कौन सा वोट जिहाद है भाई? आप कहते हो वोट जिहाद के सिपा सलार शरद पवार जी है, उसके आला सिपा सलार उद्धव ठाकरे जी है, कौन सा वोट जिहाद करना चाहते हो आप? ये क्या 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 चल क्या रहा है? ठीक है, ये क्या चल रहा है, तो अब मुझे भी पूछने दीजिए आपसे फडणवीस जी, ये स्टेटमेंट्स आपके हैं या नहीं है? आप शुरुआत करते हैं, ओ सुन ले ओवैसी, ये संभाजी नगर है, किसी का बाप आने से भी यहाँ का नाम नहीं बदलेगा, दैट्स योर स्टेटमेंट राइट? हाँ झंडा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान में, हाँ इज योर बिल्कुल, स्टेटमेंट यस राइट? आज सुबह उठकर आपने ट्वीट किया, यही समय है, सही समय है सोते हुए को जगाने का राइट? ये सब बिल्कुल। आपके स्टेटमेंट से, ये पोलराइजेशन नहीं है फडणवीस जी? अरे भैया, आप भी बिना कॉन्टेक्स्ट की बात कर नहीं, रही हो। कॉन्टेक्स्ट नहीं नहीं तो कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, आप जब पूछ रहे हो तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए जी। ऐसा है, अगर ओवैसी संभाजीनगर में आके सभा करेगा और उसकी सभा में ये कहा जाएगा कि कहाँ से संभाजीनगर हो गया, ये तो खड़की था, ये तो हमारे पुरखों ने बसाया हुआ है, तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अगर संभाजी राजे का कोई अपमान करेगा, आकर जवाब मिलेगा। इसको कोई पोलराइजेशन का विषय नहीं है। वो आकर अगर ये कहते हैं कि हमारी आपके जमीन है, ये जमीन उनकी नहीं है, ये हमारे पुरखों की जमीन है, ये जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन है, और उसके ऊपर अगर कोई क्लेम करेगा, वहां पर जाकर मैं जवाब दूंगा। ये मैंने जवाब दिया, मैं कोई पोलराइजेशन नहीं कर रहा हूं। आपके और उनमें क्या अंतर है नहीं, फडणवीस जी? अंतर यह है कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर ईंट फेंकेगा तो पत्थर से जवाब जाएगा। सच बताइए, क्यों कर रहे हैं आप ये? किस बात की तकलीफ हुई है भारतीय जनता पार्टी को कि एक कम्युनिटी ने एक मुश्त एक पार्टी को डिसाइड करके अपने सारे वोट वहां दे दिए, आपको नुकसान हो गया, और अब आप सब, आपके शीर्ष नेतृत्व सब लोग लग गए हैं वोट, इस कैसे नारे देते हैं आप? बटेंगे तो कटेंगे के नारे देते हैं मुझे आप, तो एक है तो सेफ है के नारे देते हैं आप भी तो अब हिंदू कंसोलिडेशन का काम कर नहीं, रहे हैं। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। एक है तो सेफ है, क्या गलत है इसमें? बटेंगे तो कटेंगे में क्या गलत है? इस देश में जब जब देश को हमने इस प्रकार से जातियों में बांटा है, प्रांतों में बांटा है, तब तक इस देश के टुकड़े हुए हैं और इस देश के समाज के भी टुकड़े हुए हैं। बटेंगे तो कटेंगे सही है, और सबसे ज्यादा सही है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक है तो सेफ है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, एक है तो सेफ है कहने के ऊपर ऑब्जेक्शन। ये तो माफ कीजिए, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, पर ये तो मूर्खता है। अगर कोई ये कहता है कि एक है और तो सेफ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेता है,
तो मुझे तो सॉरी पर उनकी अकल पे तरस आता है। ठीक है, अब मुझे इस तरीके से आपसे पूछने दीजिए फडणवीस जी, आप लोग, आप ऐसे नेता हैं जो 5 साल डेवलपमेंट का काम करते हैं, 5 साल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, डिलीवर करते हैं समय पर, लोगों की ज़िंदगी आसान हो रही है मुंबई में, इलेक्शन आते आप हिंदू मुसलमान करने लग जाते हैं। देखिए क्या प्रॉब्लम है, मीडिया को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। मैं 95% जो भाषण देता हूँ क्यों नहीं दिखाते आप बार बार, उसको क्यों नहीं वायरल करते आप? चलो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे जितने भाषण हुए वो भाषण का पूरा कंटेंट अगर आपने निकाला, 99% सिर्फ प्रोजेक्ट्स पर बोलता हूँ, 99% स्कीम्स पर बोलता हूँ, 99% क्या दिशा है महाराष्ट्र का, रोड मैप क्या, क्यों नहीं दिखाते आप? आपको तो हिंदू मुस्लिम ही चाहिए, आपको तो वही चाहिए, आपको तो वही वायरल होता है। क्या हो गया है देवेंद्र फडणवीस को, मैं ये पूछना चाहती हूँ, वेयर इज दैट नहीं देवेंद्र फडणवीस देयर, लेकिन जहां जहां अस्मिता की बात आएगी, देखिए देवेंद्र फडणवीस ये एक बहुत कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी आदमी है, जहां अस्मिता पर बात आएगी वहां पर देवेंद्र फडणवीस किसी के बाप की नहीं सुनता। तो आपका ये रूप तो अब दिख रहा है? नहीं नहीं, ये रूप पहले से ऐसा ही है। हा? ये रूप ऐसा ही है देवेंद्र फडणवीस का। लोग आपको मुंबई महाराष्ट्र में स्पेशली मेट्रोपॉलिटन एरियाज में एज अ सॉफ्ट पॉलिटिकल जेंटलमैन की तरह देखते हैं। आई एम अ सॉफ्ट पॉलिटिकल जेंटलमैन, मैंने कौन सी गलत बात की? नहीं नहीं, ऑल ऑफ दिस आपको गलत दिख रहा है भाई, क्योंकि आप गलत चश्मा लगा के बैठे हो। मैं गलत चश्मा लगा के बैठे हो आप।